नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले थ्री डॉट पर क्लिक करना है। आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर ऑल कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने सभी कैटेगरीज आ चुकी है, फैशन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम आदि। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, मैं मोबाइल पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुझे रेडमी नोट 10 प्रो मोबाइल खरीदना है, मैं यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो मोबाइल सर्च करता हूँ। अब आपको अलग अलग वेरिएंट दिखाई देने लगते हैं, मैं फर्स्ट वाले वेरिएंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपके सामने दो ऑप्शन मिलते हैं, गो टू कार्ट, बाय नाउ। आपको यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ, अब आपके सामने कुछ मोबाइल के ऐड आते हैं, इसको स्किप कर देना है। चेंज और या एड्रेस, आप चाहते हैं आप कुछ चेंज कर सकते हैं या फिर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, एड्रेस ऐड कर सकते हैं। आपको कोई एड्रेस चेंज नहीं करना है, कोई एड्रेस ऐड नहीं करना है, तो आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऑप्शन आता है पेमेंट। आप पेमेंट किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, UPI, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, टैलेंट बैंकिंग, EMI, कैश ऑन डिलीवरी द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी द्वारा ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर डिलीवर होने के बाद ही कैश देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी द्वारा ऑर्डर करना चाहता हूँ, आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। आपको ऑर्डर कंफर्म करने के लिए कोड की दिया जाएगा। अब आपको ऑर्डर कंफर्म करने के लिए यहाँ पर उस कोड को डाल देना है। इस प्रकार आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको सबसे पहले अपना कार्ड नंबर डालना है और एक्सपायरी डेट डालनी है, और इसके बाद CVV कोड डाल देना है। फिर पे पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप घर बैठे किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।